दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। डलहौजी के सरकारी स्कूल में एक साथ करीब 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। SDM डलहौजी अनिल भारद्वाज ने बताया कि उपचाराधीन बच्चों और उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी बात की है, जिससे पता चला है कि ये मामला मास हिस्टीरिया का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब सभी बच्चों की हालत ठीक है, साथ ही उन्होंने जल शक्ति विभाग और स्कूल प्रशासन को भी इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और स्कूल की पानी की टंकियों की सफाई के भी आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन से स्कूल है? वर्षा क्लास 10th में पढ़ती हूँ, GSS स्कूल खुलकर। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या हुआ, कोई टेबलेट दी थी आपको स्कूल में आज? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? तब ठीक ही था, थोड़ी देर बाद फिर क्या बोल फोर्थ पीरियड में थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल आए? उसके बाद ठीक हो गया, तो फिर अचानक से फिर से खराब हो गई। नाम आपका? मेरा नाम स्मृति है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं यहाँ डलहौजी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। तो ये क्या, आपकी फ्रेंड को क्या हुआ? ये हमें ना आयरन की गोलियां दी थी, तो मेरे को तो मैंने भी खाई थी, पर मेरे को इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, पर वो मेरी फ्रेंड ज़्यादा बीमार हो गई, उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्कूल में बीमार थी, उस टाइम में कोई एक्शंस नहीं लिए गए, मतलब टीचर तो बोल रहे थे सारे, पर उसके बाद फिर हम इसको ले आए तो रास्ते में बेहोश हो गए, उसके बाद आप लोगों ने हेल्प की। स्कूल वालों ने यहाँ हॉस्पिटल में बचाया आपको? तो आप स्थानीय लोगों ने पूछा है। नाम आपका? मेरा नाम जॉय है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं हाई स्कूल लोकपुर। अच्छा, क्या हुआ? हमें एक टैबलेट थी खाने के लिए, बट मैंने नहीं खाई क्योंकि मैंने अपने क्लास के फ्रेंड्स को देखा, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस कारण मैंने नहीं खाई। और हमें स्कूल वाले इधर भी नहीं लिख रहे और फ़ोन भी नहीं करवा रहे थे घर को, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मेरी सिस्टर को, तो हम आधे रास्ते से ही हॉस्पिटल ले आए थे। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को, क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और उन्हें चक्कर से आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या हो रहा था उन्हें। तो स्कूल वाले ने कोई हेल्प नहीं किया आपकी? हेल्प तो की थी, बट जो ज़्यादा सीरियस थे उन्हें लेकर आ रहे थे, बट कई के मतलब घर में फ़ोन ही नहीं कर रहे थे। और तो आपके घर में फ़ोन नहीं किया स्कूल? नहीं, फ़ोन नहीं किया। तो फिर आपके जो बहन है वो रास्ते में बेहोश पड़ी हुई थी, तो फिर उसको किसने पहुँचाया? लोकल बंदे? हाँ जी, लोकल। और भी बच्चे हैं कोई, उनको भी चक्कर आया और वो बहुत सीरियस है, वो अभी वो अंदर है, उन्हें भी उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये अभी कुछ समय पहले ही ये सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कूल में इन बच्चों को कोई आयरन की टेबलेट्स दी गई, जिसके कारण इनमें जो कुछ बच्चे हैं उनको कुछ तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ लाया गया, हॉस्पिटल में लाया गया। उसी वजह से मैं यहाँ आया था ये देखने की कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, किंतु जब यहाँ देखा और जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर हैं उपस्थित हैं और जो बच्चे हैं उनसे भी मैंने बात की, तो ये पाया गया कि ये जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि मास हिस्टीरिया जैसे एक होता है स्कूल में, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हुई और उनकी देखा देखी में ही जो और बच्चे हैं उन्होंने भी अपने जो सिम्टम्स हैं वो बताने शुरू किए कि हमें भी सिर दर्द हो रही है, हमें भी जो चक्कर आ रहे हैं। और जो बच्चों से अभी मेरी बात हुई तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्टेबल हैं, ठीक हैं, अब वो ठीक आ गए हैं। सिर्फ एक दो बच्चे जो कैजुअल्टी वार्ड में हैं, जो अभी भी रो रहे हैं या कुछ उस तरह के उनके लक्षण हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ हमारा यहाँ है और जो डॉक्टर्स हैं, MD हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और जो एक टेबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस तरह का कोई भी सिम्टम्स इनमें नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी वो टेबलेट ली थी लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक है, तो ऐसे ही कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। तो सर, ये पानी वगैरह की टंकियों की सफाई के बारे में आपने कुछ स्कूलों को इंस्ट्रक्शन? थोड़ी सी बात ध्यान में आई है कि हो सकता है क्योंकि जो टेबलेट इन्होंने ली है तो ऑब्वियसली है उसके लिए
पानी का प्रयोग भी किया है। तो अब इतने लार्ज स्केल पर अगर समस्या आ रही है तो वो हिदायतें जो IPH डिपार्टमेंट और स्कूल मैनेजमेंट को दे दी गई हैं कि अपने जो आसपास की सफाई और जो वाटर की इनकी टैंकियां हैं उनकी भी सफाई जो है वो करवा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।